वेलकम फ्रेंड्स। एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का गूगल शीट में, ठीक है। तो अगर कोई टेक्स्ट आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये लिख दिया और यहाँ पे कोई नंबर डाल देता हूँ, जैसे लाइक ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नाम और देखिए इसमें टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। तो चलिए ये हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इज टेक्स्ट लगाता हूँ, तो ये इज टेक्स्ट लगाया हमने। अब मान लीजिए ये जो है ये ट्रू एंड फॉल्स में इवेलुएट करके आपको देगा। देखिए ये हमने सेलेक्ट किया, अब इसको बंद करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये ट्रू आंसर आएगा आपका, ठीक है। और अगर मैं इसको ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ले रहा हूँ इज टेक्स्ट, तो इसको लेता हूँ तो देखिए क्या होगा। इज टेक्स्ट लिया हमने और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें देखिए टेक्स्ट तो है, कहीं ना कहीं टेक्स्ट तो है, नंबर ही तो सिर्फ नहीं है, टेक्स्ट भी तो है, तो इसलिए ये ट्रू इवेलुएट करेगा इसको। तो यहाँ देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है, और नीचे फॉल्स आ रहा है क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस नंबर को अगर लेते हैं हम, ये वाला नंबर जो है इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये हाईलाइट कर दिया मैंने, देखिए। तो ये जो नंबर है ना, इसको अगर हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला इज टेक्स्ट वाला, तो ये बता देगा कि टेक्स्ट है कि नहीं है। तो ये इज टेक्स्ट लगाया हमने और ये तुरंत बता देगा कि ये टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला होता है इज नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे इज नंबर लगाएंगे तो अगर नंबर होगा तो बताएगा, अगर नंबर नहीं होगा तो नहीं बताएगा। तो यहाँ पे इज नंबर लगाइए और लगा दीजिए सिंपली। और यहाँ पे देखिए ये तो नंबर है नहीं, ये तो फॉल्स ही बताएगा, कभी भी बताएगा, तो ये फॉल्स बता रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर नंबर है तो क्या बताएगा, तो इज नंबर, तो यहाँ पे आईएस करते हैं इज नंबर, तो ये इज नंबर फॉर्मूला लगा लिया हमने। अब देखिए ये कहेगा कि हाँ ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू का आंसर ऊपर आ ही रहा है। तो ये इसको बड़े फॉर्मूले में आप यूज करके देख सकते हैं, और ये तरीका मैंने बता दिया कैसे यूज करना।